500 बरसों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब भगवान राम अपने घर आ रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है अयोध्या में। आप हमारे पीछे जो ये पेड़ देख रहे हैं, आज हम इस पेड़ से जुड़ी आपको कुछ रोचक जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे और उससे कुछ महत्वपूर्ण किस्से जो अयोध्या राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी जानकारियाँ हम आपको दिलाएंगे। और इसके लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे चित्रमय रामायण के लेखक ललित मिश्रा जी, जो कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कई सारे शोध किए हैं और वो एक इंडोलॉजिस्ट भी हैं। तो आज इस कोविदार वृक्ष की जानकारी वो हमारे चैनल में हम सबको देंगे। तो चलिए हम उनसे कुछ जानते हैं इस कोविदार वृक्ष से जुड़ी कहानियाँ कि आखिर उन्होंने रीवा में इसको कैसे खोजा और कहाँ से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई, किस तरह से उन्होंने इस वृक्ष की पहचान की कि आखिर यही है कोविदार वृक्ष। तो चलिए हम उनसे चर्चा में जुड़ते हैं। विंध्य फर्स्ट की टीम ने जो आपको दिखाया ये उसी कोविदार वृक्ष का पुष्प है, और जो आप इसका रंग देख रहे हैं इस रंग में गुलाबी और गुलाबी में नीले रंग की आभा मिली हुई है। तो यही हमें कश्यप ऋषि ने बताया है हरिवंश पुराण में, क्योंकि वही इस वृक्ष के और इस वृक्ष में होने वाले परिवर्तन के निर्माता वही हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इस वृक्ष की ओर। ये ऐसा वृक्ष है जो त्रेता में भगवान श्री राम के ध्वज की शोभा बढ़ाता था, और इस वृक्ष का निर्माण किया कश्यप ऋषि ने। उन्होंने पारिजात के वृक्ष में मंदार के सार मिलाकर, सार का मतलब होता है उसके गुण मिला करके इस वृक्ष को बनाया। तो ये वर्ल्ड का और भारत का सबसे पहला हाइब्रिड प्लांट मॉडर्न साइंस की तरह की हमारी त्रेता की साइंस को सामने रखता है। शायद इसीलिए रघुकुल ने अयोध्या में बरगद को छोड़कर, पीपल को छोड़कर, तुलसी को छोड़कर इस कोविदार वृक्ष को अपना राज वृक्ष और अपना इसके द्वारा अपने राजध्वज का निर्माण किया। हाँ, अब ये क्यों किया तो इसकी दूसरी कहानी है कि कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि उनकी धर्मपत्नी थी अदिति, अदिति से ही आदित्य हुए और आदित्य से सूर्यवंश हुआ, इसलिए भगवान राम ने शायद और अयोध्या के अन्य राजाओं ने शायद इसीलिए इसे अपना अपने ध्वज में इसको स्थान दिया। अब इसके जो है दूसरे लक्षण आपको बता दें। देखिए, वाल्मीकि ऋषि ने कहा है कि इस वृक्ष का तना सफेदी लिए हुए होगा, उज्ज्वल इति स्कंधः। क्या उज्ज्वल इति स्कंधः, तो आप देखेंगे कि उज्ज्वलता, ये काला नहीं है, मिट्टी साफ कर देंगे इसकी तो ये सफ़ेद हो जाएगा। तो श्वेत तने का ये वृक्ष है जो रामायण में वाल्मीकि कह रहे हैं, वही आज हमें त्रेता में जो कह रहे हैं वो हमें कलयुग में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि पहले आपको बताया कि इस वृक्ष, इस पुष्प में नीलापन, बैगनी रंग की आभा इसलिए है क्योंकि कश्यप ऋषि ने हमें बताया कि मैंने मंदार के गुणों को इसमें मिला दिया है। तो मंदार का जो पुष्प होता है नीलिमा लिए होता, तो नीला और गुलाबी मिलकर हो गया है, गुलाबी से बैगनी। देखिए, ये पहले इसकी शुरुआत होती है गुलाबी रंग से, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते ये हो जाता है बैगनी। तो जो कश्यप ऋषि ने त्रेता के शुरू में बताया उसे त्रेता के अंत में भगवान राम ने अपनाया, और कलयुग में आप देख रहे हैं कि वही चीज़ें सामने हमारे है। तो ये रामायण को किंवदंती होने से या माइथोलॉजी होने से बाहर ले जाकर एक ऐतिहासिक सच के रूप में स्थापित करती है। कोविदार का वृक्ष आपने रीवा में कैसे खोज निकाला और इसका क्या महत्व है रीवा में? देखिए, तो इसको रीवा में खोजने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये तमाम पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में सब जगह पाया जाता है। इसके लक्षण वही हैं, सफ़ेदी लिए हुए तना और ये गुलाबी से बैगनी के बीच में प्रसारित होता हुआ इसका रंग, और इसका बोटनिकल नाम जो कि है बहुनिया परप्यूरिया। इस नाम से इसे बॉटनी जानती है, संस्कृत और हमारे धर्म ग्रंथ इसे कोविदार कहते हैं। तो अब यहाँ की जो बड़ी विशेषता ये है कि इतने 50 मीटर के सर्कल में जो ये आपका स्वामी विवेकानंद का जो पार्क है, इस पार्क में इस प्रजाति के सारे वृक्ष पाए जाते हैं। यदि आप इधर सामने देखेंगे तो कचनार है, देखिए कचनार के फूल पूरे गुलाबी हैं और कोविदार के गुलाबी से बैगनी के बीच में है। तो ये एक है कचनार, कचनार का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया है, लेकिन आजकल के जो बॉटनिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं पौधों के, वो भूल कर जाते हैं अक्सर अपने रिसर्च पेपर में जो साइंस किताबों में लिखा जाता है, वो उसमें कचनार के साथ में कोविदार को भी मिक्स कर देते हैं। जब ये पौधा तीन वृक्ष, इस तीन कोविदार के वृक्ष कल की सूचना के अनुसार राम मंदिर अयोध्या में आरोपित
किए जा चुके हैं। जब आप जाएंगे तो बैठेंगे जैसे घनी छांव होती है, अभी तो पतझड़ आ गई है, इसमें सबसे ज़्यादा घनी छांव इस वृक्ष में होती है। उसके नीचे जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप पहुँच गए त्रेता, भगवान राम के झंडे वाला वृक्ष सामने है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ये पौधा। एक छोटी सी एक नाप के अंदर जितनी ऑक्सीजन आपको मिलेगी पीपल से, उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है आपको कोविदार से। और क्या करता है ये, यदि हवा में कोई प्रदूषण है, सल्फर है, तो सल्फर को चूस के अपने भीतर समा लेता है, तो यहाँ का प्रदूषण दूर हो जाएगा। इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने के लिए कोविदार सबसे बेस्ट सर्वोत्तम पौधा होता है। एक एक पौधा, तो इस एक पौधे की सर्कल कितनी बड़ी, इसकी छांव जितनी बड़ी है, एक कोविदार लगाने से आपको 25 मीटर के दायरे की जो ज़मीन है ना उपजाऊ हो जाती है। तो ये इसका महत्व है। तो हर खेत में लगे, हर मंदिर में लगे, और रीवा में सबसे ज़्यादा लगे क्योंकि रामायण भाई यहीं लिखी गई है, तमस नदी के किनारे यहीं लिखी, आप जो जानते हैं। अयोध्या भगवान राम के लिए महत्वपूर्ण है, यदि राम अयोध्या के हैं तो रामायण विंध्य की है। और इस वृक्ष की पहचान कैसे हुई कि यही कोविदार का वृक्ष है? इस वृक्ष की पहचान के देखो, एक चीज़ तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, पर यदि ये जो पत्ते हैं आप देखो, आप फोकस करिए, ये पत्ते जो है दोने की आकार की साइज के हैं ना, बीच में लग रहा है ना दोना, प्राकृतिक रूप से बना हुआ दोना लग रहा है। तो दोने जैसा आकार, दो पत्तियां मिलके एक साथ एक पर्ण का निर्माण कर रही हैं, सफेदी लिए हुए इसका तना जो कि लिखा हुआ मिलता है। दुनिया की किसी भी धर्म में, किसी भी कोने में आप जाओगे तो इतने पुराने साहित्य में किसी पौधे का वैज्ञानिक विवरण नहीं मिलता है जैसा कि हमें वाल्मीकि जी ने लिखा। अच्छा, दूसरी बात है, वाल्मीकि के बाद आने वाले सब लोग भूल गए, ना तो कालिदास ने इस वृक्ष का उल्लेख किया जब उन्होंने रघुवंशम लिखा, ना ही आपके तमिल रामायण लिखने वाले कम्बन ने इसके बारे में लिखा जब उन्होंने कम्ब रामायण तमिल में रामायण लिखी, ना ही बंगाल में रामायण लिखने वाले कृत्तिवास ओझा ने इस वृक्ष और भगवान राम के ध्वज के बारे में लिखा। सब लोग रामायण को राम और रावण के बीच हुए युद्ध की कहानी और राम और राम का वनवास, इन तीन चार चीज़ों में सीमित करके भावनात्मक दृष्टिकोण से लिखते गए। जो इसका वैज्ञानिक पक्ष है वो केवल किसने, वाल्मीकि जी ने ही पकड़ा। ये बहुनिया परप्यूरिया इस प्रजाति का वृक्ष है। और यदि आप भागवत को देखें, श्रीमद् भागवत पुराण जो है हमारा, जो भागवत गांव में सुनी जाती है, शहरों में भी सुनी जाती है, तो भागवत में भी कोविदार वृक्ष का उल्लेख है। भागवत में पारिजात और कोविदार दोनों एक साथ अलग अलग श्लोकों में आए हैं। इससे क्या पता लगता है कि हमारे लोग जानते थे कि पारिजात अलग है, कोविदार अलग है, नहीं तो एक ही नाम से काम चला लेते। तो देखा आप लोगों ने कि ललित जी ने कोविदार वृक्ष के बारे में कई सारी जानकारियां दिए। कोविदार वृक्ष आखिर कितना जरूरी है, जिसको भगवान राम ने अपने वनवास के समय में इसका महत्व दिखाया है, और वाल्मीकि जी ने इसको रामायण में अच्छे खासे शब्दों में वर्णित किया है। तो ललित जी ने काफ़ी सारी जानकारियाँ दिए। इस तरह की तमाम जानकारी को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ विंध्य फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।